हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? हम भी एकदम बढ़िया है, बस गला अभी भी थोड़ा ख़राब है, बाकी सब ठीक है। एंड सुबह उठ के खाना वाना बना के सारे काम करके हो चुकी हूँ फ्री खा के भी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ नेर चौक, क्योंकि नेर चौक में मुझे थोड़ा काम है, मतलब बैंक का थोड़ा काम है। पहले बैंक जाऊँगी और मम्मी जी ने भी कुछ सामान मंगवाया है तो वो भी लेके आना है। तो फिलहाल तो मैं रेडी हूँ और बस अभी निकलूँगी, तो स्कूटी से ही जाने वाली हूँ। स्कूटी जो है पार वाली साइड खड़ी करी थी मैंने, तो उधर जाऊँगी। बाकी वेदर की बात की जाए आज की, तो बाहर लगी है बहुत तेज़ धूप, तो जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट काम है, ज़रूरी काम है तो जाना भी पड़ेगा। तो ओके, निकलती हूँ अभी घर से फटाफट और जो भी काम है वो करती हूँ। ये खड़ी है हमारी स्कूटी यहाँ पे। पहुंच गई अभी मैं बैंक, तो करवाती हूँ जो भी काम है। तो गाइज, आ गई अभी मैं नेर चौक से वापस और स्कूटी मैंने वहीं पे लगा दी पीछे वाली साइड। वैसे एक दिन तो मैं नीचे वाले रोड से लेके भी आ गई थी, बट वो रोड, उस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पीछे से ही लेके आती हूँ। बाकी मम्मी ने मुझसे मंगवाया था ये मक्का चरी और उनके लिए टुपका लेके आई हूँ। तो ओके, धूप भी बहुत है, बट जो जिस काम के लिए गई थी, जो मेन था बैंक वाला काम, वो नहीं हो पाया, तो दो तीन दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा। एंड चलो, फिलहाल अभी तो पहुंच गई घर में, तो जाऊंगी अभी चेंज वगैरह करूंगी और टेक अ रेस्ट। तो अभी जो है मैंने यहाँ से सुगुत्री निकाल ली यहाँ पे, मतलब ये काफ़ी पुराना लगाया हुआ है यहाँ पे, 4-5 साल हो गए इसको, तो अच्छा चला हुआ है मतलब। तो देखिए, एक टोकरी आज फिर से निकल गई। ये तो हम गांव वालों को फ़ायदा होता है कि मतलब सब्जी का गुजारा आता तो ऐसे ही हो जाता है इधर उधर से। एंड आज के मौसम की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़ोरों की बारिश आई है। पहले भी, मतलब पीछे भी एक दो दिन छोड़ के 4-5 दिन इतना तूफ़ान आता था शाम के टाइम, और आज भी अभी थोड़ी देर पहले इतना भारी तूफ़ान आया था। बट अब वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो बारिश लग जाएगी तो तूफ़ान तो फिर थम ही जाएगा। तो बस थोड़ी देर में करेंगे हम डिनर की तैयारी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, बहुत ही प्यारी सी सुबह हो गई है और आज की सुबह सच में बहुत प्यारी है, क्योंकि आज का मौसम है बहुत अच्छा, बाहर धूप नहीं है, बारिश वाला मौसम है। तो थोड़ा सा आपको बाहर चल के बताती हूँ। ये देखिए, आज का कुछ ऐसा मौसम है, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी होती रही सारी रात, और जैसे कि एक दो दिन बारिश ही बताई है तो शायद बारिश ही रहेगी। तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम है, गर्मी भी नहीं है बिल्कुल भी। और साथ में अभी जो है मेरा खाना तैयार हो ही गया है, मतलब चावल डाल दिए, थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा बाहर ही घूम रही थी। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ, माँ की दाल बना दी है, चावल डाल दिए और साथ में पलधा, जो कि जहाँ दीदी रहते थे मेरे साथ वाले, उन्होंने मुझे ये डिश बताई, ये शायद कांगड़ा पालमपुर वाली साइड बनती है। तो अभी इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम तड़का लगाते हैं, प्याज वगैरह काट के सब कुछ वैसे ही करना है, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, कढ़ाई गर्म नहीं होनी चाहिए, और फिर जो दही होता है उसमें मिक्स करना है। तो ये जो है बहुत टेस्टी बन रहा है, मतलब जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगा कि ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये वाली रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो बस कढ़ाई मेरी ठंडी होने वाली है, फिर फटाफट इसको मिक्स करूँगी और बन गया खाना। ये देखिए,
तड़का लगा के बस मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर फिर दही रखी है, इसको मिक्स करना है और फिर गैस वैस कुछ नहीं जलानी है, बस ऐसे ही मिक्स करना है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है फिर खाने में। खाना बनके रेडी है गाइस, और दाल थोड़ी ठंडी हो गई तो उसको भी गर्म कर रहे हैं। बाकी मम्मी जी भी किचन में थोड़ा काम कर रहे हैं, घी गाल रहे हैं थोड़ा सा, और बस ये वाला काम हो जाए फिर हम खाना खाएंगे। सो गुड इवनिंग गाइज, शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है सभी लोग चले गए फिर से अपने अपने कामों पे। और पीछे आप देख ही रहे होंगे अभी मौसम बढ़िया हो गया है, धूप लगी है। तो मम्मी जी पापा जी वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया तो चलिए उनको पहले पानी दे के आते हैं। और अभी तो यहाँ पर तेज़ धूप लगी हुई है, इधर देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? काम तो कर रहे थे, कर तो रहे थे, पर अब तबीयत खराब है, क्या करना है। हाँ मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब है, मतलब कोल्ड हुआ है तो होता ही है, फिर शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, तो इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? चरी बाजरा बीज रहे थे। अच्छा, चरी बाजरा होता है जो मैं लेके भी आई थी, उसको यहाँ पे बीज रहे हैं अभी। और लीजिए पानी पी लीजिए आप पहले। पापा जी आप क्या कर रहे थे? मैं हल चला रहा था। अच्छा, आप हल चला रहे थे, तो पापा जी जो है हल दे रहे थे इधर और मम्मी जी बीज रहे थे। कर बैठी मैं भी थोड़ा सा काम, तो अभी चलते हैं घर क्योंकि फिर रात का डिनर भी रेडी करना है। और आज मैं सोच रही हूँ डिनर में बनाऊँगी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो फिलहाल अभी तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा चलती हूँ अंदर कुछ और देखती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ डिनर रेडी। गाइज, खाना बना के मैं फ्री हो गई, और खाते तो हम लेट ही हैं, मतलब कोई 8:30 बजे के करीब, क्योंकि दिन को भी कुछ हल्का फुल्का खाते रहते हैं तो भूख नहीं होती इतने जल्दी। बाकी इधर अभी सब्बू भी आई है, ये देखिए सोनिया हमारी, वो आप भी कुछ खा रहे थे अभी, क्या खा रहे थे? सब्बू ऐसा करती है, एक एक चपाती लाती रहती है, एक एक करके खाती रहती है ना। तो ओके गाइज, करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कमेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, और ऐसे ही देखते रहिए ऐश लव व्लॉग्स। ओके बाय बाय, टेक केयर।